अब दिशा जी से बातचीत कर लेते हैं, आगरा से मौजूद है हमारे साथ। दिशा जी नमस्कार। अब दिशा मैम, अब आपके सिचुएशन कहाँ फंस रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं या क्या सवाल है आपके? सर एरिडल है 3000 शेयर्स एट द रेट 171.58। इसका मतलब सर 1 ईयर तक हम होल्ड कर सकते तो हैं कितना समय इसको आप? 1 ईयर। ओके। तो मानस, इनके पास आयरेडा का स्टॉक है, चला बढ़िया है स्टॉक और 170 के आसपास इनकी खरीदारी है, अभी भी ये प्रॉफिट्स में है, 190 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो क्या करना चाहिए, एक साल दे सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस रखें, क्या रणनीति रखें? तो देखिए, मेरे ख्याल से फेब और मार्च में हमने स्टॉक में करेक्शन देखा था, एक बड़े मूव के बाद वो करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन उस करेक्शन में भी स्टॉक ने पिछले मूव के 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लिया और वहां से जब रैली शुरू हुई है तो फिर से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाने लगा है। मेरा समझना है कि कम से कम 210 रुपए, जो कि पिछला हाई था, वो तो आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय एक साल का है तो आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं 240 से लेकर 250 की रेंज में। फिलहाल के लिए बने रहिए और 159 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। तो 159 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशंस के अंदर बने रहें दिशा मैम, और अभी के लिए तो एटलीस्ट आप होल्ड करें और इनके नंबर्स पे नज़र रखिए कि कंटिन्यूस इनके नंबर्स बेटर आ रहे हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो लेट्स सी कैसे आगे नंबर्स आते हैं, अभी के लिए एटलीस्ट आप बने रहो आगे।